सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोविज इंडिया को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, हम अपनी स्मार्टफोन के कैमरे से खाली वीडियोस और फोटोज ही शूट करते हैं, बट क्या आपको ये पता है कि आपका मोबाइल का जो स्मार्टफोन का कैमरा है वो बहुत ही एडवांस चीजें करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो आज हम लोग कुछ ऐसे ही 6 एडवांस फीचर्स के बारे में बात करेंगे जिसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन को बना सकते हैं और भी स्मार्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं टेक्नोविज इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट जो ऐप है उसका नाम है टर्न योर डिवाइस इनटू ए ट्रांसलेटर। तो आप इस ऐप से अपने मोबाइल के स्मार्टफोन के कैमरे को एक कंप्लीट ट्रांसलेट टूल पे चेंज कर सकते हैं सिर्फ गूगल ट्रांसलेट ऐप की मदद से। इस ऐप में अगर आप कोई दूसरे कंट्री में जाते हैं या दूसरी सिटी में जाते हैं तो वहाँ के लैंग्वेज आपको अगर समझ में नहीं आती है तो इस ऐप को आप ओपन कीजिए। ओपन करके उस टेम्पलेट्स के ऊपर या उस साइन बोर्ड के ऊपर कैमरे को पॉइंट आउट कीजिए, कैमरे के सिंबल के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप पॉइंट आउट कीजिए। तो देखिए आसानी से ये डिकोड करके चाइनीज को इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। बहुत कमाल की ऐप है ये। तो अगर आप ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं तो ये ऐप बहुत हेल्पफुल साबित होगी आपके लिए। तो ये बेसिकली सारी लैंग्वेज सपोर्ट करता है और इंडियन लैंग्वेज की अगर बात करें तो लोकल लैंग्वेज में देखिए यहाँ पे सारे लैंग्वेज है। तो आप जो भी लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको राइट साइड में देखिए डाउनलोड का सिंबल बना हुआ है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे देखिए पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु है, जो भी आप लैंग्वेज चाहें तो वहाँ से आप डाउनलोड करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी ऐप है ये। तो दोस्तों, हमारी अगली जो ऐप है उसका नाम है 360 डिग्री फ़ोटोज़। तो आप अपने मोबाइल के कैमरे से 360 डिग्री फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। इसके लिए आपको 360 डिग्री कैमरे की ज़रूरत नहीं है, ना तो चाहिए कोई एक्सपेंसिव कैमरा सेटअप की। तो आप ये काम अपने मोबाइल के स्मार्टफोन के कैमरे से की मदद से कर सकते हैं। इसमें आपको एक जगह खड़े होकर चारों तरफ की फ़ोटो शूट करनी है। तो देखिए इसको हम लोगों ने ओपन कर दिया, कैमरे के आइकन पे हम लोगों ने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आपको एक जगह पे खड़े होकर चारों तरफ की फ़ोटो लेनी है। धीरे 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 जिस पॉइंट से आप शुरू करेंगे उसी पॉइंट पर आपको आके रुकना है। तो धीरे धीरे घूमते रहिए स्लोली स्लोली, तो खुद ब खुद ये अपना फ़ोटो कैप्चर करता जाएगा। तो इस फोटो को आप फेसबुक पर भी अपलोड कर सकते हैं, तो लोग इसे 360 डिग्री फ़ोटो ही कंसिडर करेंगे। आप इस ऐप की मदद से 360 डिग्री फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन ऐप है ये। तो इसे आप फेसबुक पे भी अपलोड कर सकते हैं। देखिए प्रोसेसिंग लगभग हो गया है। प्रोसेसिंग हो जाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसको आप जूम कर लीजिए। और अगर आप जायरोस्कोप का यूज़ करना चाहते हैं तो जायरोस्कोप से भी आप इसे देख सकते हैं। 360 डिग्री फ़ोटो ही कंसिडर करेंगे लोग। तो चारों तरफ का देखिए 360 डिग्री फ़ोटो आ चुका है। तो दोस्तों, हमारी नेक्स्ट जो ऐप है इसका नाम है बारकोड क्यूआर स्कैनर। इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे मेरे पास एक बार कोड है, इसको हम लोग स्कैन कर लेते हैं। स्कैन
स्कैन करने के बाद ये ओपन पे अगर आपने क्लिक किया तो ये आपको सीधे उस बारकोड की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगी, जहां से आपको मिल जाएंगी इस साइट का, इस बारकोड का फर्दर इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने ये बारकोड स्कैन कर लिया तो देखिए इस साइट पे हम लोगों को ले कर चले गए ये। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को मिल गया इस साइट का डिटेल इंफॉर्मेशन, तो काफ़ी अच्छी है ये ऐप, इसको आप यूज़ कर सकते हैं और ये इन्फॉर्मेशन चाहे तो आप दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों हमारी अगली जो ऐप है उसका नाम है सॉल्व मैथ प्रॉब्लम विथ योर कैमरा। इसमें आप अपने मोबाइल के कैमरे से सारे मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये ऐप मैथ प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से और बखूबी सॉल्व कर देती है। तो इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे कैमरा इंटरफेस मिलेगा, तो आप एक काम कीजिए कैमरा को मैथ प्रॉब्लम के ऊपर पॉइंट आउट कीजिए तो ये स्कैन कर लेगा और आपको आंसर दे देगा। तो यहाँ पे देखिए नीचे अगर आप क्लिक करेंगे तो इसने कैसे सॉल्व किया है, सारे स्टेप आपको स्टेप बाय स्टेप बता देगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन ऐप है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके द्वारा आप अपने मैथ प्रॉब्लम, कोई भी मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, स्टेप वाइज आपको बता देता है। दोस्तों नेक्स्ट जो ऐप है उसका नाम है प्रोफेशनल स्कैनर। तो आप अपनी डिवाइस को कन्वर्ट कर सकते हैं एक प्रोफेशनल स्कैनर में। इसमें आपको कैम स्कैनर की तरह ही काम करता है ये सॉफ्टवेयर। कैमरे के आइकन पर आप क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर मेरे पास एक पैम्पलेट्स है तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो फोटो क्लिक करने के बाद ये डॉक्यूमेंट एनालिसिस होने लगेगा। एनालाइज होने के बाद इसका सारा कलर ये हटा देगा। मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ, वैसे तो ये ऐप खुद ही कर लेती है पर मैं मैनुअली कर लेता हूँ। इसके बाद डन करते हैं तो ये ब्लैक एंड वाइट में सारा कलर रिमूव कर देगी। स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं तो देखिए एनालाइज हो गया। इसके बाद ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे अगर आपको कुछ एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं, कुछ डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन ऐप है, कुछ भी एडिट या डिलीट कर सकते हैं आप इस ऐप की मदद से। तो आप डॉक्यूमेंट्स में सेव हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी ऐप है ये, देखिए मैंने एडिट कर दिया। तो जैसा चाहें आप डॉक्यूमेंट्स को एडिट या डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो ऐप है इसका नाम है कलर कोड डिकोडर। बहुत ही बेहतरीन ऐप है जिससे आप किसी भी कलर का हैक्स कोड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कलर कोड डिकोडर जो सॉफ्टवेयर है इसको हम लोगों ने ओपन कर लिया। तो देखिए जैसे ही हम लोगों ने ओपन किया तो यहाँ पे किसी भी कलर के ऊपर आप ले जाएंगे तो इसका हैक्स कोड पढ़ के बता देगा। तो जो लोग फोटो एडिटिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं उनके लिए ये ऐप बहुत हेल्पफुल साबित होगी। वैसे मैंने सारे ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप चाहें तो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इससे बड़े ही आसानी से आप फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा ऐप है, बहुत ही बेहतरीन ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों आपने देखा कि आप अपनी स्मार्टफोन के कैमरे से खाली वीडियोस और फोटोज ही नहीं और भी काफी अच्छी चीजें कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपकी कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।